एक दूजे के वास्ते। सुमन सुमन, मैं जानता हूं पिछले कुछ दिनों से मेरा बिहेवियर ठीक नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने सुना जो मैंने कहा? सुमन, तुमने ना सिर्फ मेरी गलती को हैंडल किया बल्कि खुद आगे बढ़कर यान से भी बात की। प्लीज अब मुझे अगर तुम माफ भी। भाभी, थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने सब कुछ सही कर दिया। वैसे अबनी, माफी तो तुझसे भी मांगनी है। मैंने तुझे तेरी बात रखने का मौका ही नहीं दिया है ना। अरे इट्स ओके भैया, वैसे भी मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, तभी तो आपको मेरी सिक्योरिटी के आगे कुछ दिखाई नहीं। तो जैसे ही आपको पता पड़ा कि मैं बाइक रेसिंग के लिए गई हूँ तो वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आपको हमारे प्यार पे एक पल के लिए भी डाउट नहीं हुआ। यू नो व्हाट, यू आर द बेस्ट। वाह, तो अब भाभी बेस्ट, अब फेवरेट हो गई है तो भैया को भूल गई है ना, तो अब सुमन ही सब कुछ है ना तेरे लिए। वैसे मेरे लिए भी द बेस्ट, द बेस्ट। अच्छा भैया, गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। वैसे तुमने सच में इनके प्यार को पहचान लिया था? क्यों नहीं पहचानती, मैंने भी तो कभी प्यार किया था। किया था? मैं तो आज भी करता हूं और मैं हमेशा करते रहूंगी। थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए तुम्हें। ये सही था, किस भी मिस हो गई और फीडबैक भी दे गई। हाँ तो मिया, यहाँ आके अटक गए हम। हमारे छुपे रुस्तम बंटी मिया को प्यार हो गया और ये बात हमें आज पता चल रही है। कोई बात नहीं, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। पर जो भी हो बंटी, तू बहुत सही जगह अटका यार। हाँ मिया, हमको भी जेल लग रही है। लग रही है कि चाचे? मैं तुझे हर बात डिटेल में बताता हूँ और तू मुझसे छुपा गया। अरे बात तो समझो मिया, जब लड़की तक को अब तक नहीं बताए हम, तो तुम्हारे आगे किसे नगाड़ा बजा दिए बताओ। चल ठीक है, ये तो बता लड़की है कौन, नाम क्या उसका? नहीं मिया, मतलब अभी टेम सीन ही है। देखो मिया, लड़की को बताते ही अगला नंबर तो आप ही का है ना, जिनको हम बताएंगे। अबे लड़की का नाम पूछते तो इतनी बातें घुमा रहे, पक्का लड़की है ना? रेखा मिया, यहाँ हम टेंशन के मारे सूख गए आधे के आधे, तू मजे ले रही हो हमारा। टेंशन किस बात की बंटी, ये तो खुशी की बात है। बाय द वे, तूने लड़की को बताया कि नहीं? हम सोच रही है कि कल बता दिए, कल ही स्पेशल डे है ना हमारा। कल क्या खास है? अच्छा चल जो भी हो, तू एक काम कर, जल्दी से लड़की को अपने दिल की फीलिंग्स बता और मुझसे मिलवा। अब बंटी जो भी हो, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ यार। थैंक यू मिया, चल बाय। इतने सालों से दोस्त थे हमारे और इनको हमारे बर्थडे तक याद नहीं। वाह श्रवण मिया वाह। श्रवण, अभी तक तो मम्मी पापा की फ्लाइट लैंड हो गई होगी ना? कब की, अभी तक तो घर के लिए रास्ते पे भी होंगे वो। और सबसे पहली बात जो उन्हें पता चलेगी वो है अयान की। श्रवण पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। सुमन तुम ये सब मत सोचो, उसकी चिंता मुझ पे छोड़ दो। फिलहाल ना तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। क्या? वैसे तो ये एक ना एक दिन होना ही था, मुझे लगा कि ये पहले हुआ था, लेकिन नहीं,
सीरियसली अब जाके हुआ है। श्रवण मुझे गेस करना है क्या? क्योंकि मैं सच में सुमन, मैं तो सिर्फ माहौल बना रहा था। तो खुशखबरी ये है कि हमारे बंटी मियां को प्यार हो गया है। ओ माय गॉड, सच्ची? बंटी को? लड़की कौन है? आई एम श्योर हमें तो नहीं पता होगी क्योंकि उसने कभी किसी से मिलवाया ही नहीं। नाम तो उसने मुझे भी नहीं बताया, पर हाँ उसने ये कहा कि लड़की को प्रपोज करेगा और उसके बाद सबको बताएगा। आओ, कल सच में बहुत इंपॉर्टेंट डे है ना, उसका बर्थडे भी है। उसका बर्थडे है और तुम्हें पता मैंने क्या प्रिटेंड किया कि जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं है, लेकिन उसके लिए हम एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा हूँ, एकदम धमाल टाइप। बहुत खुश होगा वो देख के। हाँ, बंटी बहुत अच्छा लड़का है, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। मैं भी उसके लिए बहुत खुश हूँ यार। हाँ, बस अब कल का इंतजार है मुझे। चलते हैं, लेट हो रहा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.